खरगोन जिले के भगवानपुरा में रविवार रात्रि पत्रकार महेश मालविया पर हुए जानलेवा हमले को लेकर सोमवार को तहसील पत्रकार संघ ने पुलिस थाने का घेराव कर पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर शराब माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कल रविवार रात्रि 8 बजे के लगभग शराब ठेकेदार व कर्मचारी गाड़ियों पर लाद कर अवैध शराब ले जा रहे थे। सूचना मिलने पर हमारे पत्रकार साथी महेश मालविया अवैध शराब का कवरेज करने पहुंचे। वहीं शराब माफिया जगदीश जायसवाल, दीनदयाल लाखेड़ा उर्फ शेरू जितेंद्र रावत उर्फ चाटू रामकिशन और दो बिहार के युवक सभी पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से चरीपुरा फाटे पर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नगर के पत्रकार महेश मालविया चरीपुरा फाटे से गुजर रहे थे, इन सभी ने रोककर मारपीट शुरू कर दी और कहा कि हमारी अवैध शराब की खबर चलाने से कुछ नहीं होगा, हम तो नीचे से लगाकर ऊपर तक बंदियां पहुंचाते हैं, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। घटना के वक्त पत्रकार महेश मालविया कुछ समझ पाते, इससे पहले ही हमलावरों ने उन्हें बेरहमी से मार पीट कर घायल अवस्था में छोड़कर भाग गए। हमलावर 15 से अधिक बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 294, 323, 341, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया। मामला ये है कि भगवानपुरा के हमारे पत्रकार साथी महेश मालविया जो दो रोज से शराब माफियाओं के अवैध शराब को लेकर खबरें कवरेज कर रहे थे और रविवार शाम के 8 बजे के लगभग जैसे ही वो चरीपुरा होते हुए धुलपुर निकल रहे थे, उनको ये अवैध शराब माफिया जो है जगदीश जायसवाल है और दीनदयाल लाखेड़ा है उर्फ शेरू और उनके कुछ आदमियों ने रोक लिया और रोकने के बाद में गाली गलौज की और मारपीट की और हम तो ऊपर से नीचे तक बंदियां देते हैं और तो तेरे कवरेज करने से क्या होगा, इस तरह से मारपीट कर हमारा साथी कुछ समझ पाता। उसके पहले ही उससे 20-25 साथी उनके थे, वो मिलके बुरी अवस्था में मारपीट कर घायल कर दिया गया। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस फिर लेकर आई उन्हें और आज जिला अस्पताल में बंद है। घटना कब की? घटना रविवार शाम के 8 बजे के लगभग की है। कहाँ का लगा हुआ? हाथ फ्रैक्चर हुआ है और सिर पे भी और काफ़ी जगह चोटें आई है और अभी जिला हॉस्पिटल में एडमिट है वो। पुलिस प्रशासन द्वारा क्या अभी तक कार्रवाई की? पुलिस प्रशासन की हम निंदा करते हैं और भर्सना करते हैं और उनकी इस कार्रवाई पर हम सवालिया निशान इसलिए लगाते हैं कि जिन लोगों ने मारपीट की और हमारे पत्रकार साथी को घायल किया और इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को छोड़ दिया शाम को, अपने एक्ट और अपने पुलिस प्रशासन के एक्ट और अपनी धाराओं को की दुहाई देकर उन्होंने छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना था क्योंकि आज पत्रकार, आज सामाजिक तत्वों के खिलाफ लड़ने वाला पत्रकार अगर असुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा तो आम जनता क्या करेगी? अगर पुलिस इस तरह का सहयोग नहीं कर पाएगी तो पत्रकार साथी क्या कर पाएगा? उसकी जान माल और उसके परिवार की रक्षा कैसे कर पाएगा? ये बड़ी चिंतनीय विषय है, सोचने का विषय है। अभी तक कितने लोगों पर नामजद शिकायत हुई है? अभी नामजद सभी लोगों पर नामजद शिकायत तो हुई है पर कार्रवाई क्या हुई है इस पर अभी हमने ध्यान नहीं दी, अभी देख नहीं पाए क्योंकि थाना प्रभारी बोरावा ड्यूटी लगी है उनकी, वहाँ गए हुए हैं। अभी फिलहाल हमने ज्ञापन दिया है और इसकी पूरी कार्रवाई करेंगे और जानलेवा हमला हुआ है, प्राणघातक हमला हुआ है तो उसी की तरह धाराएं भी लगाई जाएगी और ऐसा नहीं हुआ तो समस्त पत्रकार साथी जिले से लगाकर प्रदेश लेवल तक आंदोलन करेंगे और हड़ताल करेंगे। पर हम जैसे ग्रामीण क्षेत्र के एक पत्रकार साथी के साथ इस तरह की दुखद घटना होगी तो भविष्य में अगली बार अगला महेश मालविया और होगा और उसके साथ और शराब माफिया इस तरह की ओछी हरकतें करेंगे और प्राणघातक हमला करेंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।